हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एमजी ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे कि टाइम एंड वर्क का फिफ्थ क्लास जो एमटीए जो 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो टाइप सिक्स जो क्वेश्चन है, टाइप सिक्स, आप ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए कि यह क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन जो बोल रहा है कि ए एंड बी दो व्यक्ति हैं जो 20 दिन और 24 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी कुछ दिन तक ही काम ए किया है। ठीक है, और उसके बाद बी जो है, जितना इस ए को जाने के बाद जितना काम जो शेष बच गया था उसे बी ने 2 दिन में शेष काम को पूरा कर दिया। तो वही पूछ रहा है आपसे कि ए जो है कितने दिन बाद काम छोड़ दिए, यानी कितने दिन तक ए काम किए उसके बाद वो काम को छोड़ दिया। ओवरऑल क्वेश्चन आपसे यही बोल रहा है कि ए 20 दिन और 24 दिन, ए और बी दो व्यक्ति है, इतना दिन में काम कर रहा है। ए जो है कुछ दिन के बाद काम छोड़ देता है और शेष काम को उसके बाद भी पूरा करता है 2 दिन में। तो ए कितने दिन के बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप देखिए, मैं आपको यह क्वेश्चन समझाने का प्रयास करता हूं कि ए जो है बोल रहा है ए कितने दिन, 20 दिन में, और बी जो है 24 दिन में, है ना। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 120, यानी टोटल वर्क आपको 120 आ जाएगा। ठीक है, और इसका अगर क्षमता निकालेंगे तो 20 26 28 और 24 25, ए की क्षमता 6 और बी की क्षमता 5, है ना। तो अब हम यहां तक, तो आप जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो मैं आपके सामने रखा। ठीक, अब क्वेश्चन जो है यहां से घूम रहा है, यहां से आपसे एराइज किया जा रहा है कि कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, ए ने कुछ दिन बाद, यानी कुछ दिन तो काम किया, वही आपसे पूछ रहा है कि कितने दिन ए जो है काम किया। तो इस तरह का क्वेश्चन है कि कुछ दिन के बाद छोड़ दिया या कुछ दिन पहले छोड़ दिया, है ना। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको मिले तो शेष काम जो व्यक्ति जितने दिन में पूरा करते हैं ना, उतना दिन मैं बड़ियरी ए से कराऊंगा, है ना। ए से अपनी इच्छा के अनुसार बी जितना दिन शेष काम को करता है उसे उतना दिन मैं ए से अपनी इच्छा के अनुसार काम को कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए, बी जो है 2 दिन में शेष काम को पूरा कर रहा है, तो ए से मैं 2 दिन का और काम कराऊंगा, तो 12 काम यह कर देंगे। तो टोटल काम कितने हो जाएंगे मेरे भाई, टोटल काम आपका कितना हो जाएगा, 231, यानी 132 काम टोटल हो जाएगा, है ना। अब इसी काम को दोनों साथ में कर रहा है ना। तो दोनों साथ में कर रहा है तो 6 5, दोनों की क्षमता को अति कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 6 5 11, यानी 132/11 इसकल टू कितने बार कटेगा, 11 11 है 1, है ना, 2 11 2 22, यानी 12 दिन में। 12 दिन में मेरे भाई, यह आपका आंसर नहीं आया अभी, क्यों, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा 12 दिन जो काम किया, एक्स्ट्रा 12 दिन इससे जो ए से जो काम करवाए आप, तो 12 दिन, सॉरी, 12 काम जो एक्स्ट्रा ये जो है किए, वे कितने दिन एक्स्ट्रा आपसे आप उनसे करवाए, 2 दिन। तो इसमें एक्स्ट्रा काम मैं माइनस कर दूंगा, उसके बाद आ जाएंगे आपको 10 दिन, समझे। तो यही जो है, ए जो है मात्र आपको 10 दिन ही काम किया था शुरू में, और उसके बाद यह चला गया था, है ना। और ऐसे भी देखिए, ए जो है 10 दिन ही काम किया और बी जो है 2 दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन शेष काम जो थे उसको 2 दिन में पूरा किया। तो 10 + 2 = 12 आया, और यहाँ भी मैंने दोनों को अगर काम करवाए तो ऊपर भी 12 आया, यानी यह मेरा आंसर राइट है कि नहीं। ठीक, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 10 दिन आएंगे, है ना। ठीक है, चलिए, अगर इस एक और मेथड है, एक और जुगाड़ है, उससे भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जिस मेथड से आप समझें वो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इसे मैं यहां पे समझाने का प्रयास करता हूं कि इस
जो मैं अभी बनाया इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं एक जुगाड़ के रूप में नेक्स्ट मेथड के द्वारा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन एक मेथड से नहीं, दो मेथड से ही बन सकते हैं, तीन मेथड से ही बन सकते हैं, लेकिन आप कौन सा मेथड आपको समझ में आता है वो आप यहां से एब्जॉर्ब कीजिए, है ना। तो चलिए सेकेंड मेथड मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जैसे यह जो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन तो समझ गए हैं, बस सेकेंड मेथड मेथड बनाने का प्रयास करता हूँ, उससे समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। टोटल वर्क कितना है, 120 है ना मेरे भाई, और क्या कर रहा है कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों साथ में, दोनों को साथ में मैंने काम करवाया, और कह रहा है लेकिन कुछ दिन के बाद, दोनों साथ में तो काम किए लेकिन कितने दिन के बाद ये चला गया वो पता नहीं, तो मैंने इसको माना कि एक दिन के बाद ये जो है काम छोड़ के चला गया, ठीक है, उसके बाद छोड़ के चला गया, और बी ने दो दिन में शेष काम को पूरा किया, यानी बी जो है आपका दो दिन में शेष काम को पूरा कर दिया। समझ में आया, नहीं समझ आया फिर समझिए। टोटल वर्क मेरा कितना है भाई मेरे, मैं आपको बार बार बतलाता हूं कि इस चीज को आप माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। ठीक, देखिए 120 है, टोटल वर्क 120 है, तो ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों साथ में काम किए ये पता नहीं ना है मेरे भाई कि ए कितने दिन काम किए, तो ए को मैंने एक्स माना, ठीक है, मान लिए कि ए जो है एक्स दिन में काम करके चला गया। उसके बाद बी जो है शेष काम, टोटल वर्क दोनों को जोड़ देंगे तब ना मेरे टोटल वर्क के बराबर आएगा, तो वही तो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ। तो बी जो है शेष काम को दो दिन में पूरा किया है ना, तो 120 बराबर ए प्लस बी की क्षमता कितना है, 6 5 6 5 11, यहाँ ज़्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, आप समझ सकते हैं 6 5 11 6 6 5 11 है ना, तो 11x प्लस बी की क्षमता कितना है 5, यानी 5 × 10 है ना, तो 11x बराबर कितने आ जाएंगे, 120 यानी 110 आ जाएंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 110/11 इक्वल टू 10 यानी 10 दिन है ना, यानी x का मान 10 दिन, और मैंने x किसको माना था, ए जो काम करके, ए जो है जितना दिन काम किया उसी को तो मैंने ना x माना था, तो x बराबर 10 दिन, यानी कहने का मतलब कि ए जो है 10 दिन में 10 दिन ही काम किया था, है ना। देखें इस मेथड से भी आपको 10 दिन आया, और वो जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया था बेसिक कॉन्सेप्ट उससे भी आपको 10 दिन आया है ना, तो आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। चलिए भाई अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, है ना। ए बी दो व्यक्ति हैं, 15 दिन और 20 दिन में काम को पूरा कर रहा है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 4 दिन के बाद बी छोड़ के चला जाता है, 4 दिन के बाद बी छोड़ के चला जाता है, फिर ए ने एक नए कर्मचारी सी के साथ, है ना, यानी कहने का मतलब सी सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में पूरा कर लेता है, यदि सी अकेले कार्य करता है तो उस कार्य का 40% कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना, कितने दिन में पूरा करेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, उसमें दोनों व्यक्ति का दिन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें कह रहा है कि ए जो है उसमें बोल रहा है कि दोनों साथ में काम करता है और बी 4 दिन के बाद काम करके छोड़ के चला जाता है, उसके बाद ए किसी दूसरे को बुलाता है कि भाई तुम आ जाओ क्योंकि बी मेरे साथ धोखा दिया, क्योंकि वो मेरे साथ रहा नहीं, पूरे कार्य नहीं किया, इसलिए तुम अब आ जाओ, वो चला गया है, तो अब ए जो है सी को इन्फॉर्म करता है कि आप आ जाइए, तो ए जो है सी के साथ मिल करके शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है, तो ही आपसे बोलता है कि सी अकेले टोटल कार्य का 40% कितने दिनों में पूरा करेंगे, समझे, बहुत अच्छे। चलिए तो यहां तक तो करना ही पड़ेगा, यह 15 दिन, बी जो है आपको 10 दिन, इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 15 × 30 है ना, 15 × 30 10 × 30 है ना। अब यहां के बाद इतना काम तो करना ही करना है, हर हाल में करना है आपको, है ना,
यहाँ के बाद आपको जो क्वेश्चन कहेगा उसके अनुसार अब चलना है। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों साथ में तो काम शुरू किए लेकिन 4 दिन के बाद बी छोड़ के चला गया। बी जो है धोखेबाज व्यक्ति है, ए को साथ नहीं दिया, बीच रास्ते में छोड़ के वो चला गया। तो ये कहे कि आप सी आ जाइए, अब आपके साथ मिलकर के मैं शेष काम को कर दूंगा, है ना। उसके बाद कहता है कि सी सी के क्षमता के बारे में बोलता है, टोटल वर्क का 40% सी कितने दिनों में अकेले करेंगे। तो चलिए टोटल वर्क कितने हैं मेरे भाई, 30 बराबर इक्वल टू, दोनों साथ में काम कर रहे हैं ना, ए प्लस बी दोनों साथ में कार्य किए लेकिन 4 दिन के बाद छोड़ के ना गया। तो 4 दिन तक तो यह काम किया ना साथ में, 4 दिन तक काम किए ना ए प्लस बी, 4 दिन के बाद बी छोड़ के जा रहा है मेरे भाई, यानी 4 दिन तक ए और बी काम किया है। उसके बाद क्या कहा कि आप ए जो हैं आ जाइए सी, सी को बुलाने के बाद शेष कार्य को 3 दिन में पूरा किया, है ना। ए की क्षमता कितना है 2, बी की क्षमता 3 × 4 प्लस ए की क्षमता कितना है मेरे भाई 2, और सी की क्षमता मुझे पता नहीं है, उसकी क्षमता पता करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, 3 × 5 = 20 प्लस 3 × 6 + 3 = कितना हो जाएगा, सी बराबर 4/3, यानी यह इसका क्या आया क्षमता, सी का क्षमता मेरा आ गया 4/3, है ना। ये तो अब क्षमता जो हमें पता चल गया मेरे भाई, तो क्या मैं नहीं निकाल दूंगा कि सी कितने दिनों में 40% काम कर देंगे टोटल वर्क का, है ना। तो सी कितने दिनों में काम करेंगे टोटल वर्क का, टोटल वर्क कितना है 30, इसका 40% निकाल लीजिए बट्टा 100, यानी 40% के बारे में बोल रहा है, 40% गुना 4/3 इसको ऊपर चल जाएगा तो 3/4, है ना। अब इसको काटिए, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 4 से 4, यानी 3 तिया के 9 दिन में यह व्यक्ति अकेला कार्य को पूरा कर देंगे। समझ गए, बहुत अच्छे। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ए किसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, यानी अधिक कुशल है ना, यानी खुशहाल ज्यादा है। कहने का मतलब कि ए से 25% अधिक खुशहाल है, यानी ए अगर 100 काम करेगा तो बी 125 काम करेंगे, ठीक है। वे एक साथ 15 दिनों तक कार्य किए, एक साथ वे दोनों 15 दिन तक कार्य किए, ए जो है 7 दिन में किसी काम को पूरा किया और बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है और वे एक साथ 15 दिनों तक कार्य करते हैं, तो सी अकेले शेष कार्य को 14 दिनों में पूरा करता है। तो बी एंड सी दोनों मिल करके टोटल कार्य का 5/8 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। भाई मेरे, ए जो है ए कितने दिन में काम को पूरा कर रहे हैं, 60 दिन में। बी जो है कितने दिन में पूरा कर रहे हैं मालूम नहीं, है ना। तो बी के दिन के बारे में अगर हमने हमको हमें निकालने के लिए बोले इस तरह का क्वेश्चन हो, तो भाई यहाँ देखिए बी के दिन कहाँ से निकलेंगे, ये जो 25% है ना दिया हुआ इससे आपको निकलेंगे। कैसे, जो देखिए यहाँ पे ए अनुपात बी है ना, बोल रहा है कि ए से 25% अधिक है कौन, बी। अगर हम मान लिए कि ए को मैंने 100 माना तो बी 125% हो जाएंगे, तब ना ए से 25% यह अधिक है भाई। ए अगर 100 रुपया है और बी 125 रुपया है, तब ना ही हम कह सकते हैं कि ए जो है बी से 25 रुपया कम है, या हम ये कह सकते हैं कि बी जो है ए से 25 रुपया ज्यादा है, कंफर्म। हाँ देखिए, तो 25 × 100 और 25 × 25 = 2500, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अब हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं, समझ में आया। तो इफिशियंसी जो है इसका 4 है तो बी का 5, है ना, टाइम 5/4। भाई यहाँ पे नोट एक तो लिख लीजिए आप कॉपी में कि इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है रेशियो में, भाई लिख लीजिएगा, रेशियो में इफिशियंसी का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा इफिशियंसी होता है, ठीक है। तो मैं यही चीज तो मैंने यहाँ किया, तो यहां से हमें निकालना है बी कितने दिनों में कार्य को कर रहे हैं। तो हम जान रहे हैं कि ए ए जो है
60 दिन में पूरा कर रहा है। एक क्षमता कितना है, एक का टाइम क्या है 5, तो 5 बराबर 60, 1 बराबर 60 बटा 5, तो बी के निकालना है। तो बी की क्षम बी का दिन कितना है 4, है ना, बी का कितना है 4, तो लिखेंगे 60 बटा 5 गुना 4, 5 से 12, 12 चौक 48, है ना भाई मेरे। ये चीज इतना लंबा आपको समझाने के लिए मैंने किया है। अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा तो ये चीज आपको माइंड में ही कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, और कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा तो एक्चुअली है इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का कैलकुलेशन आप माइंड में एक्चुअली कर लीजिएगा, ठीक। तो 48 दिन है ना। अब हमें ये पता चल गया कि बी कितने दिन में कार्य को पूरा कर रहे हैं, 48 दिन में। अब चलिए अब देखिए, अब इसकी क्षमता निकालेंगे। अच्छा, इसका आप एलसीएम निकालना है तो कितने आएंगे मेरे भाई, एलसीएम इसको निकालिए, कैसे निकालिएगा एक मिनट देखिए। इसके एलसीएम निकालने का एक रूल है कि 12 गुना 5 बराबर 60 हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, है ना। यानी ये दोनों में तो कॉमन है ना मेरे भाई, 12 है कि नहीं, है ना कॉमन 12, 12 गुना 5 चौका 20 इजकल टू 12 दुना के 24, 240 इसका एलसीएम हो जाएंगे। कैसे मैंने एलसीएम निकाला, इन दोनों संख्याओं का जो कॉमन है ना उसको कॉमन को पहले मैंने निकाल लिया और जो शेष संख्याएं थे उससे मैंने उसको मल्टीपल कर दिया तो मेरा एलसीएम निकल गया। समझ में आया कैसे एलसीएम निकला, इस तरह से नहीं निकलिएगा 60 48 इस तरह से नहीं, ये सब पहले 5-6 में हम लोग पढ़ा करते थे तब ये चीज सही था। अब आप कंपटीशन में आ गए हैं, कंपटीशन फाइट कर रहे हैं तो ये चीज कीजिएगा तो न जाने कितने लड़कनों से आप पीछे हो जाइएगा कंपटीशन में। इसलिए ये चीज फॉलो नहीं कीजिए कंपटीशन लाइन में, जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो चीज फॉलो कीजिएगा, कंपटीशन फाइट करने में आपको बेनिफिट महसूस होगा, ठीक है। तो अब देखिए, मैं तो इतना काम कर दिया आपके लिए। अब देखिए यहां से अब इसका निकालिए क्या क्षमता, 0 6 4 24 इसकी क्षमता कितने आ जाएंगे 4, और इसका 8 5 40 5 4 20 यानी 5, है ना। इतना तो आपको हर हाल में करना है। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कुशल है तो वे एक साथ 15 दिन तो कार्य करता है, यानी टोटल काम कितने हैं मेरे भाई 240, 15 दिन तक कौन काम किया ए प्लस बी, है ना। तो ए प्लस बी तो हम डायरेक्ट यहां लिख देते हैं 9, क्या सही है ना 9, ए प्लस बी जो है 15 दिन तक मेरे काम किए, है ना। उसके बाद सी अकेला शेष कार्य को 14 दिन में पूरा किया, सी अकेला 14 दिन में, सी का कोई दिन और क्षमता कोई पता नहीं, लेकिन यह कह रहा है सिर्फ कि सी जो है 14 दिन में काम को शेष कार्य को पूरा कर रहा है तो सी की क्षमता हमको हमें पता करना होगा ना। तो 15 नमा कितना हो जाएगा 240 बराबर 9 5 45 की 5, हाथ में 4, 9 4 13 यानी इतना 14 सी बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 105, यानी सी बराबर कितना हो जाएगा 105 बटा 14, 7 से कट जाएंगे 7 2 9 14, 7 का 7 और 7 5 35 इक्वल टू 15 बट्टा 2, है ना। यानी कहने का मतलब कि सी की क्षमता कितना आ गया 15 बट्टा 2, ठीक है, हमें यहाँ सी के क्षमता मालूम चल गया। अब आगे बढ़िए, यहाँ तक हम दोनों का हम लोग का काम हो चुका। अब देखिए क्या बोल रहा है, बी और सी मिलकर यानी कुल कार्य, मूल कार्य यानी कुल कार्य, चलिए यहाँ कॉमन में लिख देते हैं कुल कार्य, मूल कार्य का 5/8 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी कुल कार्य कितने हैं 240, 240 कौन कर रहा है बी प्लस सी के लिए बोल रहा है कि बी प्लस सी कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बी प्लस सी का पहले क्षमता निकाल लेते हैं, तो बी का कितना है 15 प्लस सी का कितना है 15/2 इक्वल टू कितने हो जाएंगे मेरे भाई 7 5 12 यानी 12.5, राइट। दोनों की क्षमता कितने आएंगे 12.5। अब इसकी क्षमता में हमें टोटल वर्क को दोनों को मिला करके टोटल काम का 5/8 भाग ही हमसे काम करवाना है इससे, तो यहां क्या करेंगे 5/8 12.5। अब इसको काट छाट के आप कीजिएगा तो कितने आ जाएंगे 8 3 के 24 30 और एक और 10 बच जाएंगे पॉइंट हटाएंगे तो 5 6 25 5 दोना के
पच्चे पच्चीस, पाँच दुना के दस, पाँच से पाँच छत्तीस इजकल टू 12 दिन में यह कार्य को पूरा कर लेंगे। समझ में आया है ना? मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस आपको समझाने के लिए इस तरह से मैंने बनाया। और समझ में आया? देखिए, ए जो है 7 दिन में किसी काम को पूरा कर रहा है, तो बी जो है ए से 25% अधिक कार्य अधिक कुशल है। यानी कहने का मतलब एक्चुअली है कि बी जो है कम दिन में काम को पूरा करेगा। बी जो है कम दिन में काम को पूरा करेंगे, क्योंकि ए से यह कुशल है। ए कुशल का मतलब क्या? मान लीजिए कि ए से बी ज्यादा मजबूत है, भाई ए से बी ज्यादा मजबूत है, तो एक्चुअली है कि वो बी जो है ए से कम दिन में ही तो कार्य करेंगे ना, है ना? तो मैंने वही तो यहाँ किया है। एक्चुअली यहाँ देखिए, ए 7 दिन में किया और बी 48 दिन में किया है, कम दिन लिया टाइम, है ना? तो ए की क्षमता 4 और बी की क्षमता 5, बस टोटल वर्क ए और बी दोनों मिलकर कर रहे थे 15 दिन, और सी जो है शेष कार्य को 14 दिन में करा था। तो सी का मैंने क्षमता निकाला, 15/2 आ गया। अब यहाँ बोल रहा है बी और सी मिल करके 5/8 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे, तो बी और सी की क्षमता की कितने आ गए, 12.5। तो टोटल वर्क 240/12.5 गुना 5/8, 5/8 भाग है, 5/8 भाग गुना पॉइंट को हटाएं तो यहाँ 10 लगाए, तो काट छाट के 12 दिन आपका आंसर आ गया, राइट? तो चलिए अब हम लोग 4 क्वेश्चन को देखते हैं। भाई मेरे, यह जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से बहुत अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्वेश्चन न्यू पैटर्न का है और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको आपके लिए यह क्वेश्चन बहुत अति अति महत्वपूर्ण है। एग्जाम के व्यू से यह क्वेश्चन बहुत अति महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, है ना? यह जो क्वेश्चन है, ए और बी 40 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, ए और बी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर रहा है, जबकि बी एंड सी 24 दिन में इसी काम को पूरा कर रहे हैं, है ना? तो ए सी से दोगुना अच्छा काम करने वाला है, यानी कहने का मतलब सी से अच्छा, सी अगर एक काम करेगा तो यह दो काम करेगा, दोगुना कर रहा है ना, सी अगर एक काम करेगा तो ए दो काम करेगा, तो बी अकेले उसी काम का 40% कितने दिनों में कितने समय में पूरा कर लेंगे। आया समझ में? ए और बी दो व्यक्ति हैं जो 20 दिन में कर रहे हैं, बी और सी दो व्यक्ति हैं जो 24 दिन में पूरा कर रहे हैं, और सी से दोगुना ए काम कर रहा है, तो बी अकेले उसी काम का 40% कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। आया भाई मेरे समझ में क्वेश्चन को? समझ गए? चलिए देखिए, बोल रहा है कि ए प्लस बी 20 दिन में किसी काम को पूरा कर रहे हैं, और बी प्लस सी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई? मैं अभी निकाला, देखिए निकालिए, बीस चौबीस पच्चीस बीस से यानी 120, है ना? 120 आ जाएंगे, ठीक। अब इसकी क्षमता निकालिए, 20 × 6 से 24 × 25 120, ए और ए प्लस बी की क्षमता 6 और बी प्लस सी की क्षमता 5। अब हम लोग थोड़ी सी इधर देखें, इसको थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे देख लेते हैं कि बेसिक क्या है। जो देखिए, हम लोग ए प्लस बी की क्षमता कितना है, ए प्लस बी का क्षमता मेरे भाई कितना है 6, बी प्लस सी की क्षमता कितना है 5, बी प्लस सी की क्षमता 5। अगर दोनों को अगर घटाएंगे, ए प्लस बी और बी बी प्लस सी को अगर घटाएंगे, तो बी से बी 0 हो जाएंगे, तो ए प्लस सी बराबर कितने आ जाएंगे हमें, 1। अब ए प्लस सी बराबर 1 आ गए, तो यहाँ कहा बोल रहा है कि सी से ए जो है दुगना है, सी से ए दुगना है। अगर सी को मैंने एक्स माना, अगर सी को मैंने एक्स माना, तो एक कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे बराबर 1, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1, है ना? और एक्स मैंने किसको माना, सी को माना, यानी कहने का मतलब सी का क्षमता 1 आ गए। आ गए समझ में आया? मैंने क्या किया, ए प्लस बी और बी प्लस सी को दोनों को घटाया, तो सी का मान, सी की क्षमता हमें प्राप्त हुआ, यह जो है मेरा सी का क्षमता ज्ञात हुआ। तो सी का अगर एक चीज का क्षमता अगर पता चल गया एक का, तो इन दोनों का मैं क्षमता ज्ञात कर सकता हूं। देखिए, सी की अगर क्षमता 1 है, सी का क्षमता अगर 1 है, तो बी की क्षमता 4 हो जाएंगे, 4 1 + 4 = 5, है ना? अगर बी की क्षमता हमें पता है, यहाँ बी की क्षमता 4 है, तो बी की क्षमता
चार है तो एक की क्षमता दो हो जाएंगे भाई, चार प्लस टू इक्वल टू सिक्स, फोर प्लस वन इक्वल टू फाइव, करेक्ट। ए प्लस बी की क्षमता छह है, बी प्लस सी की क्षमता फाइव है, तो चार प्लस एक इक्वल टू फाइव, टू प्लस फोर इक्वल टू सिक्स, है ना। अब हमें ए बी और सी तीनों की क्षमता मालूम चल गया। अब तीनों की जब हमें हमें क्षमता पता चल ही गया तो क्या बी अकेले उसी कार्य को 40%, कैसे? अब बी के बारे में हमसे पूछ रहा है कि बी टोटल वर्क का 40% यानी 120 का 40% यानी 100 नीचे हो जाएंगे परसेंट आएंगे तो 40% कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, यानी बी की क्षमता कितना है 4, बी की क्षमता कितना है 4, बी के बारे में बी के दिन के बारे में निकाल रहे हैं आप तो बी की क्षमता से तो टोटल टोटल वर्क में तो आप भगा दीजिएगा ना, तो 4 आप काटिए इसको, 0 0 0 से 0 चरतिया के 12 इक्वल टू 12 दिन में इस कार्य को यह पूरा कर लेंगे, कौन बी 40% टोटल वर्क का 40% 12 दिन में बी पूरा कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है भाई मेरे, यह क्वेश्चन कतई जहर है, यह जो है क्वेश्चन कतई जहर है, ठीक, क्यों? क्योंकि यह क्वेश्चन न्यू पैटर्न का है और यह क्वेश्चन इन एमटीएस में पूछा गया है और सीएचएसएल में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा और मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई बोल रहा है कि ए और बी वैकल्पिक ने एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए एंड बी वैकल्पिक दिनों में कार्य करता है, यानी ओवरऑल या इस क्वेश्चन को कहा जाए तो यह क्वेश्चन अल्टरनेट वाला है, है ना, अल्टरनेट वाला है। तो और बी पहले दिन कार्य शुरू करता है, ए अकेले उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, यदि कार्य 11.33 दिनों में हो जाता है तो बी अकेले उस कार्य का 7/9 वह कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी यह जो क्वेश्चन है मेरे भाई, अगर मैं मान लिया कि टोटल 11 दिन में कोई काम को पूरा किया जा रहा है, 11 दिन में किसी काम को पूरा किया जा रहा है, ठीक है, मान लिया कि 11 दिन में कोई काम को पूरा किया जा रहा है, तो बी जो है ए पहले एक दिन बी करेगा उसके बाद ए करेगा उसके बाद फिर बी एक दिन करेगा उसके बाद ए करेगा, यानी कहने का मतलब कि इसमें जब भी काम करेंगे तो कंबाइंड यानी मिल करके काम करेंगे, जो एक साथ मिल के इस काम को किया जाएगा, है ना। मान लिए कि 11 दिन में किसी कार्य को पूरा किया जा रहा है तो अगर 4 दिन में किसी काम को पूरा कर रहा है तो बी दो दिन करेगा, ए दो दिन करेगा, अगर 5 दिन में उसी कार्य को पूरा किया जा रहा है तो बी 3 दिन में करेगा और ए 2 दिन में करेंगे, अगर इसी काम को 6 दिन में पूरा किया जा रहा है तो बी 3 दिन में करेंगे और ए 3 दिन में करेंगे, अगर इसी कार्य को 7 दिन में पूरा किया जाए तो यह 4 दिन में पूरा करेंगे और यह 3 दिन में पूरा करेगा। यदि इस कार्य को अगर 7.1/3 दिन में किसी काम को पूरा किया जा रहा है तो यह कितने दिन में पूरा करेंगे, बी करेंगे 4 दिन में और ए करेंगे 3.1/3 दिन में, है ना। जैसे हमें यह क्वेश्चन जो बोल रहा है कि 11.1 यानी इसको हम किस फॉर्म लिख सकते हैं, 11.1/3 इतना दिन, अगर इसमें बोला जाए कि 11.1/3 दिन में किसी काम को पूरा किया जा रहा है तो बी 6 दिन में करेंगे और ए 5.1/3 दिन में पूरा करेगा, है ना। तो इस चीज को आप समझें, यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, यह कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में। मैंने माना है, ठीक है, यदि किसी काम को 4 दिन पूरा किया जा रहा है तो बी 2 दिन करेगा, ए 2 दिन करेगा, 5 दिन में करेगा, 5 दिन कोई काम पूरा हो रहा है तो बी 3 दिन, ए 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 3 दिन या 7 दिन में अगर पूरा होगा तो 4 दिन और 7 दिन, 7 दिन, 4 दिन, बी जो है 4 दिन में किसी काम को करेंगे
और बी उसी काम को 3 दिन में पूरा करेगा। यदि 7 पूर्णांक 1/3 दिन में कोई काम पूरा किया जा रहा है तो बी 4 दिन में करेंगे और ए 3 पूर्णांक 1/3 दिन में। यदि 11.3 दिन में किसी कार्य को पूरा किया जा रहा है तो बी 6 दिन में करेगा और ए 5 पूर्णांक 1/3 दिन में पूरा करेगा। इसी चीज को यही जो है मैं यहां लिख रहा हूं बी और ए। यदि जैसे मैं बोला कि यह काम इस तरह से होगा, जैसे देखिए पहले बी करेगा उसके बाद ए करेगा फिर बी करेगा उसके बाद ए करेगा फिर बी करेगा उसके बाद ए करेगा डॉट डॉट यानी जब तक काम पूरा ना हो जाए, इस तरह से यह कार्य करता रहेगा, है ना। तो 11 पूर्णांक 1/3 को 11 पूर्णांक 1/3 दिन जो है मेरा इसको बी जो है 6 दिन में कार्य करेगा और ए जो है 5 पूर्णांक 1/3 दिन में कार्य को पूरा करेंगे, है ना। तो इसे हम अगर पंक्तियां 15 116/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यही चीज अगर एक मिनट इस तरह का क्वेश्चन में आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब भी कोई काम होता है तो एक यूनिट के बराबर होता है यानी एक के बराबर होता है। आप उसे या तो 100 भी मान सकते हैं, 200 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, लेकिन उस तरह से अगर मानिएगा तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा वास्ट होते जाएगा। इसलिए हम लोग कैलकुलेशन को वास्ट नहीं बनाने के लिए मैं एक यूनिट के बराबर टोटल वर्क को मैं हम लोग मानते हैं, है ना। तो यहां बोल रहा है कि ए अकेले उसी कार्य को 24 दिन पूरा करता है यानी एक यूनिट बराबर ए जो है 24 दिन में एक यूनिट कार्य करता है टोटल वर्क, है ना। तो एक दिन में कितने कार्य करेंगे 1/24 यूनिट, जबकि ए जो है 16/3 दिन काम कर रहा है तो कितने कार्य 16/3 दिन में कितना काम हो जाएंगे इसका 1/24 × 16/3, है ना। 4 × 16 = 24, है ना। यानी कहने का कटेगा 2 × 4 = 6 यानी 2/9, 2/9 दिन 2/9 काम यह करेंगे 16/3 दिन में। 5 पूर्णांक 1/3 दिन में 2/9 काम यह ये जो है पूरा करेगा, है ना। तो यह जो है नीचे 9 जो है यह आपका टोटल काम है, यह आपका टोटल काम है 9 टोटल काम और 2 जो है यह 2 काम एक किया है, 9 काम में 2 काम एक किया है तो 7 काम कौन किया होगा 7/9। अगर 9 काम पूरा है टोटल काम 9 है, 9 काम में आपको 2 काम एक कर रहा है, 9 काम में 2 काम ए कर रहा है तो 7/9 काम कौन करेंगे बी करेंगे, 7/9 काम बी करेंगे। तो यहां लिखा हुआ है कि बी जो है मात्र 6 दिन काम कर रहे हैं तो 7/9 काम बी जो है आपको 6 दिन में पूरा कर लेंगे। समझे इस क्वेश्चन को, समझे आप, फिर समझने का प्रयास कीजिए। मैंने किया कुछ नहीं, यह एक कॉन्सेप्ट आपको दिया और यह कॉन्सेप्ट आपको जब भी मैं आपको बताया कि अल्टरनेट वाला क्वेश्चन जब भी काम होते हैं तो ज्वाइंट करता है बी और ए साथ में करेगा, यानी बी अगर पहले स्टार्ट किया है बी तो बी के बाद ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा बी, इस तरह से काम पूरा होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 11.33 को 11.1/3 के रूप में व्यक्त किया तो 11.1/3 को 11.1/3 काम तीन काम यह पूरा है तो बी जो है 6 दिन काम करता है और ए जो है 5/1/3 काम करता है। तो इसी चीज को मैंने यहां रखा 5/1/3 काम 16/3 यानी 16/3 इस चीज को किया तो 16/3 काम दिन जो है यह आपको ये काम किया है। अब 16/3 दिन में कितने काम किए हैं 2/9 काम किया है ए, यानी 9 काम में 2 काम ए कर चुका है तो बी 7/9 काम करेंगे, है ना। 9 काम टोटल था उसमें 7 2 काम हो गया तो 2 काम हो गया तो 7 काम और बच रहा है तो 7 काम कौन करेंगे बी, 7/9 काम आपको बी करेंगे मात्र 6 दिन में, करेक्ट। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 6 दिन आएंगे। मैं आशा करता हूं, आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ मैं यह कह सकता हूं कि यह क्लास आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा और अगर यह क्लास आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्त भाई बहन के साथ क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन बटन कमेंट लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।